नमस्कार, मैं हूं शिवानी ठाकुर। आप देख रहे हैं मैनफील्ड न्यूज़। औचा थाना क्षेत्र के ग्राम नगला कंचन के समीप पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने बाइक सवार दो युवकों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरा जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की रिपोर्ट। मैनपुरी के औचा थाना क्षेत्र के गांव नगला कंचन के निकट बहनोई को लेकर घर जा रहे बाइक सवार युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। हमलावरों ने बहनोई को पीट पीट कर मड़ासन कर दिया और भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर दौड़ पड़े। खबर पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बिजमोहन। ये चोट कैसे लगी आपको, क्या हो गया? अच्छा अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? दोनों लोग शादी में आ रहे थे। क्या किसी कार्यक्रम में गए थे क्या? हाँ, शादी में आ रही थी। और दूसरे शादी का क्या नाम है आपके? अनुज। आलोक? अनुज। अनुज, बाइक से आ रहे थे क्या आप लोग? हाँ। कितने बजे घटना है? करीब 9:30 की गेट फिर गई। हम तो बेहोश हो गए। हमको क्या नाम है आपका? तो भैया जो दो लोग जो बाइक से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्या मामला है? वहाँ जा रहे थे, अपने भतीजे के लिए वहाँ जा रहे थे हम जी, चेहराने जी। हाँ सर, दो लोग थे और कोई हथा नहीं। अब हमें क्या मालूम क्या हो गया, क्या हो गया, हमने घेर के मार दिया और क्या करा है। नहीं, सुनने में दो दिन पहले कुछ लड़ाई वड़ाई भी? हाँ, लड़ाई भाई थी। किन लोगों से हुई थी? वही लोगों से भाई थे, हमारे भतीजे। तो ये लोग काय पे जा रहे थे, कहाँ क्या क्या घटना हो गई? अब मोटरसाइकिल जा रहे थे, मोटरसाइकिल जा रहे थे, अच्छा घटना हो गई, किसी ने घेर के मार दिया। ना तो किन लोगों ने मारा, कौन थे? जानकारी करें तो हम बुढ़र्रा पड़ता है थाना ओछा में, वहाँ पर छोटेलाल जाटव का बेटा है अनूप और उसका एक दामाद है बड़े भाई का भाई मोहन। ये दोनों जसना से लौट रहे थे तो कल रात में 8 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। जो उसी गांव के अमर सिंह है, जिनसे एक विवाद चला रहा था, उसके द्वारा हुआ, उसका एक भाई है और कुछ लड़कों द्वारा मिलकर के इनको रास्ते में रोक करके इनसे मारपीट की गई और कुल्हाड़ी से वार किया गया, जिसमें अनुप की मृत्यु हो गई है। बृजमोहन घायल है, उसको उपचार के बाद सफर रेफर कर दिया गया है और 55 कार्रवाई चल रही है और FIR दर्ज होने के पश्चात हम सी गिरफ्तारी की प्रयास करेंगे।